बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह के जलील और कदर पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे और आप कोई टूर पे जाकर अल्लाह ताला से मुलाकात करते थे और बस बहुत सारे लोग आपको अपने कुछ मसाइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताते थे कि ऐ मूसा, तू हमारा मैसेज अल्लाह को पहुँचा और उनसे अल्लाह पाक पाक से जवाब लेके आओ कि ये हमारा मसला कैसे हल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस मकाम पे रहते थे, जहाँ पर उनका उनके जो पैरोकार थे, जो उनको मानने वाले थे, वो इसराइल में वो जगह है। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रहने की जगह है। ये वो छोटी सी बस्ती है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे और आपके पूरा एक 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 किस्म का एक इलाका था जिसमें सारे लोग। और ये देखें, ये जो चाबी आपको नज़र आ रही है, ये उसको उस टाइम का ताला और चाबी थी जब वो लोग अपने चीज़ों को डाकुओं से बचाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जब कलाम करते थे तो बड़े जलाल के साथ, कोई तूर पर एक रोशनी नमदार होती थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी में जब कलाम करते थे तो फिर उनको जवाब आता था। और ये ऐसी जगह है जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया है क्योंकि इजरायली यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं देते। किसी सोर्स से मैंने ये वीडियो इकट्ठी की है तो आप भी देखें, मुस्तफ़ीद हों कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी और उनका रहन सहन कैसा था। और ये वो मकाम और उस टाइम की गलियाँ, उस टाइम की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसी थी और आजकल की कैसी हैं।